अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फैसल खालिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। दोस्तों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें न्यू जॉब्स आई हुई है जिसमें जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इससे काफी दिनों से इसकी जो है एक एडवर्टाइजमेंट वायरल हो रही थी या जो है सर्कुलर थी काफी पेजेस पे, लेकिन इसमें अप्लाई करने का ना कोई परफेक्टली मेथड नहीं था। इस वजह से मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई, ठीक है। जो इसका लिंक दी हुई थी उन एडवर्टाइजमेंट में वो थोड़ी डिफरेंट थी, जिसको एक्सेस ही नहीं हो रहा था, जिसमें कोई तो काफी फ्रेंड्स का मुझे मैसेज आ रहा था कि आईपीओ पे वीडियो बनाए, आईपीओ पे वीडियो बनाए, तो आईपीओ पे अब वीडियो बन गई है। तो इसमें अप्लाई कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको जो है स्क्रीन पर दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ETS एलाइट जो है एलाइट टेस्टिंग सर्विस है, ठीक है, एलाइट टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर आपको ये वेबसाइट नजर आ रही है। वेबसाइट पे नजर आने के बाद आपके पास है अपॉर्चुनिटी अवेट, आईपी असिस्टेंट जूनियर, आईपी असिस्टेंट एग्जामिनर्स एंड असिस्टेंट एग्जामिनर, ठीक है। तो यहाँ पर व्यू एडवर्टाइजमेंट भी आप कर सकते हैं, उसके अलावा क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट को जो है अगर हम देखेंगे तो सेम चीज़ें हैं, इससे अच्छा है कि हम आगे चल जाते हैं। फिर भी मैं आपको जो है थॉरली यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें तो आईपी असिस्टेंट है, उसके अलावा जो है जूनियर आईपी असिस्टेंट एग्जामिनर ऑफ ट्रेड है, असिस्टेंट असिस्टेंट एग्जामिनर है, आईपी असिस्टेंट है, जूनियर आईपी असिस्टेंट है। तो ये जो है 5, 6, 7, 8 वैकेंसी है, तकरीबन 50+ वैकेंसीज इसमें अवेलेबल है। और इसमें मेथड जो दिया गया हुआ है वो है एलआई टेस्टिंग सर्विस के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है यहाँ पर फर्दर मोर इसका जो चालान है वो 500 रुपीज़ का है, जो कि आपने ETS की थ्रू पे करना है। ETS का चालान 500 रुपीज़ का आपने पे करना है, उसके बाद ही आप इसमें एलिजिबल होंगे। इसमें एज लिमिट जो मोस्टली है वो 18 से 28 ईयर्स है, और उसमें अलावा यहाँ पर जो है इसकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट भी है, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है। उसके अलावा जो है फर्दर मोर यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन इसकी मेंशन है, लेकिन अब जो है हम इसके अप्लाई करने के प्रोसीजर पर चलते हैं। तो अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन का आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, तो इस पर आना है। इस पर आने के बाद यहाँ पर अवेलेबल प्रोजेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। अवेलेबल प्रोजेक्ट्स पे आपने देखना है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है मंडे 16 सितंबर 2024, इस डेट तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही व्यू डिटेल्स अप्लाई नाउ व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये एलिवेट योर करियर विद आईपीओ पाकिस्तान, आईपीओ पाकिस्तान अपॉर्चुनिटीज, आईपी असिस्टेंट जूनियर, आईपी असिस्टेंट एग्जामिनर, असिस्टेंट एग्जामिनर एंड मोर। आईपीओ पाकिस्तान सर्च, आईपीओ पाकिस्तान इज सर्चिंग फॉर डायनामिक एंड फॉरवर्ड थिंकिंग इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसकी व्यू एडवर्टाइजमेंट तो हमने ऑलरेडी कर दी है कि क्या चीज़ें हैं इसमें। अब इसकी लास्ट डेट भी मैंशन है। अब यहाँ पर टाइटल्स हैं, ठीक है, कि कौन सी पोस्ट हैं। तो पोस्ट यहाँ पर मैंशन है जिसमें आईपी असिस्टेंट है, उसके अलावा जो है जूनियर आईपी असिस्टेंट है, एग्जामिनर ऑफ ट्रेड मार्क्स या असिस्टेंट मार्क्स, जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं जो है जूनियर आईपी असिस्टेंट 3 में अप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहां पर अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है अगर आप कहीं ETS पे अगर आपकी कोई प्रोफाइल बनी हुई है तो ठीक है, अगर नहीं बनी हुई तो फिर आप यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे। न्यू अकाउंट के बाद आपने यहाँ पर सारी अपनी इंफॉर्मेशन मेंशन करनी है। इंफॉर्मेशन मेंशन करने के बाद आप इसमें जो है अप्लाई कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, मैंने नाम लिख दिया अपना, करूँगा सेव। करने के बाद मेरे पास एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आएगी, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन मुझे सेव करनी है। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन सेव करने के बाद मैं यहाँ पर जो है ये प्रोफाइल पर यहाँ पर पूरा आ गया, ये प्रोफाइल मेरी हो गई। फिर यहाँ पर एकेडमिक एजुकेशन आपको नज़र आ रही है, आपको एकेडमिक एजुकेशन ऐड करनी है। उसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस आपका पूरा ये ऐड करने के बाद आप आएंगे न्यू जॉब्स पे, ठीक है। न्यू जॉब्स पे जैसे आएंगे ये सेम जॉब्स हैं, अप्लाई फॉर जॉब्स इसी तरह, और सीधा जाके आपने यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करना है, ठीक है। अप्लाई पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट अभी तो मेरी प्रोफाइल नहीं बनी, तो आपको बोलेगा कि आप प्रोफाइल अपनी अपडेट करने के बाद आप इसमें जो है कि अप्लाई करेंगे, और उसके बाद आपका चालान जनरेट होगा। चालान जनरेट होंगे होने के बाद आपने चालान पे करना है, और सिंपल सा ये मेथड है। तो होप की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।